रेडी हो गई, मैं अपना फोन आपको देखो, मेरे साइड में लेते मैं वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं शादी में, तो अब हम करेंगे शादी की तैयारी। तो शादी में बहुत मजा आने वाला था, एंड तक आप हमारे साथ रहेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल का अभी तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके अभी फौरन कर दें, वरना आप भूल जाएंगे। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो तो कर दें, वरना मेरी वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाएगी जल्दी। तो प्लीज जाके मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप मेरी मेहंदी को देखें, इधर की मेहंदी लगी हुई है, खैर इसे छोड़ते हैं, हम शादी में जाएंगे तो इसकी तैयारियां करते हैं। लेट्स गो गाइस। अभी मैं जो हूँ, मैंने अपने बाल शूट कर लिए, कल मैंने इन्हें पिनअप कर दिया है, कैचा लगा कि इस वजह से कि बाल जाकर खुले रहते तो बुरा लगेगा। और देन अजाने भी होने वाली है, हो गई हैं मगरिब की। अनुषा के साथ, अनुषा के भी ये देखें बाल तेज हो, अनुषा के बाल स्ट्रेट हो चुके हैं। शादी है तरह इसके दिखाते हैं, ये तरह अच्छी लग रही है। पीछे मेरा सूट टका हुआ है, बहुत अच्छा सूट है, मैं दिखाऊंगी आपको जब मैं पहनूंगी। खैर हम उधर चलते हैं, शादी है, ये मेरा बहुत ही अच्छा है। मैं भी आपको अपना दिखाती हूँ, इन सबको हटा देंगे, जी जी दो जाए तो फिर ना कहना झमका गिरा। ये देखें, ये आपकी ब्लॉग है जिसके पास, ये मेरे पास सारी तो मेरे पास स्ट्रीट होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। खैर डेट्स टाइम लगा था, इसलिए कि आप देख सकते हैं बाल बड़े हैं। खैर ये अनुषा का सूट है, मैं जो अभी आपको दिखाने वाली हूँ, डेट्स ये अनुषा का सूट है। जब हमारे फुल लुक आपको पता चलेंगे, डेट्स जब हम तैयार होंगे। खैर मेरे बालों की वो हालत हो गई, मैं बता नहीं सकती, मैंने बालों को पिनअप किया था, सिर्फ मैंने अभी खोले बाल, पता है इतने दिनों से मेरे बाल स्ट्रेट नहीं किए थे मैंने। डेट्स आप तो देख सकते हैं, मैं स्ट्रेट नहीं करती क्योंकि स्ट्रेटनर से बाल ख़राब हो जाते, मैंने कहा आज स्ट्रेट कर दी जाती क्योंकि आज मेरा बहुत दिल चल रहा है, इसलिए मैंने स्ट्रेट के सांस थोड़ा ज़्यादा बोला है। ये अनुषा ही है अभी, ये इनका सूट है। खैर ये मुझे कह रही मोबाइल तो नहीं देनी, पता है मैंने वीडियो शूट इसलिए नहीं किया अपने बाल स्ट्रेट होते हुए कि अनुषा के ये शादी के किसी के भी स्ट्रेट होते हुए इसलिए वीडियो शूट नहीं की, इस वजह से कि मेरा मोबाइल बंद था, वो अब चार्ज हुए थे, मैंने कहा अब आपको बता दें। तो मिलते हैं जब बाबा भी आ गए थे, जैसे कि पता है। ये अनुषा को देखें, ये देखें मैं मेरे बालों के साथ ही जुगाड़ीपन चलता ही, देख इधर इधर अनुषा की हरकतें दिखाती हूँ, सादिया और ज्यादा दिखाती हूँ सादिया क्या कर रही है। अभी अनुषा को देख, चलो इधर इन्हों के बाल स्ट्रेट कहते हैं, जिनके अंदर हालत ये इन्होंने बिगाड़ चुकी है सादिया। पेंटिंग बनाई थी जो मैंने शॉर्ट्स में, दादी के शॉर्ट्स दादा भाई इसका जब अच्छा बना दी थी, तो अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखा तो जाके देखें, बहुत अच्छी तरीके से अनुषा ने बनाया, फिनिशिंग भी है। ये देखें, ये देखें, तो ये हमने इधर चिपका दी और अनुषा की हरकतें दिखाती हूँ। ये देख कितनी अच्छी बनाई है ना मेरे, बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई है,
ये मचान पे चढ़ी है किसी सादिया का दिन सादिया का लहंगा रह गया था हमारे तो ना सादिया का लहंगा जो है ना वो निकालने के दिन से चढ़ी है ये देखे तजी भी नहीं करूंगी ये सब जो गाड़ी बन चल है ये स्ट्रेटनर है हमारा इतना कोई गरम भी हो रहा है मुझे मम्मा शादी की भी मैं तैयार निकालने के लिए ऊपर चढ़ चुकी है जैसे कि आपको भी पता है मैं भी दिखा भी दे रही हूँ दिखाते हैं ये देखे परफ्यूम सब ये निकल चुके हैं अब ये मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा है गर्मी हो रही है लाइट गई हुई है लाइट आई की 7:45 पौने 6:45 मेरे मार्क्स अच्छे आए तो थैंक्स टू खैर बस सब अनुषा के मुझसे थोड़े 2 नंबर अच्छे हैं वो तो चलते रहते हैं बहनों में मतलब क्या मैं अब आपको एक बताती हूँ रिकॉर्ड मतलब मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त होता है अनुषा मेरा कि इसके एक मार्क ज़्यादा नहीं है मेरे पढ़ने में और में भी होता है कभी कभी जब कोई ऐसा होती है मगर पढ़ने में अच्छी बात है बहनों में मुकाबला होना चाहिए क्योंकि कौन सी बहन कितने अच्छा हम एक ही क्लास में अगर मगर हमने फिर भी दोनों ने मुकाबला किया ना कि एक दूसरे को पेपर बताया कि तुम इतना याद करो तुम इतना करो नहीं अब मैं प्यारा लग रहा है मेरा सूट मैं आपको बता नहीं सकती अभी मैं अनुषा को दिखाती हूँ देन अपना दुपट्टा दिया है मैंने ठीक है मैं अनुषा को दे अनुषा मेकअप कर रही है अपना देन अच्छा हटो थोड़ा ब्रोशन थोड़ा डार्क है देन मैं अनुषा तैयार हो रही हूँ देन मैं ये यार ब्रोशन थोड़ा डार्क है इसको मैं भी लाइट कर लूँगी खैर बस सब तैयार हो गए तकरीबन आप भी और अनुषा का जैसे कि आपको पता है मेकअप चल रहा है मैं तैयार हो चुकी हूँ देन शादी भी तैयार हो गई है मम्मा भी तैयार हो गई है तो आप जल्दी जल्दी हम तैयार हो गए यार मैंने आपको लाइट दिखाया है खैर जो भी है वो मैं एंड तक साथ रहिएगा आप इस वजह से एंड तक साथ रहिएगा इसलिए कि बहुत मज़ा आने वाला है व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है मैं आपको सीरियसली बता सकती ये देखिए गाइस हम चलते पर लिपस्टिक और वो क्या कहते हैं लिपस्टिक और वो मस्कारा लगेगा वो दोनों लगाते हैं और मिलता है ये देखिए सारिया मैं कैचर लगाया इधर देखो मैं कैचर लगाया यार आज तेरी मेरा कोई फुल आउटफिट फुल ड्रेस दिखा सका तो मैं आपको दिखाऊंगी जी का आज मैं पहली ये रिसादी है ये अंधी रेडी हो गई मैं अपना फुल अच्छा अपन अच्छा ठीक है।
सब्सक्राइब और फॉलो और शेयर भी करिएगा। मिटाइए तैयार हो चुकी हूँ। फुल लुक की थोड़े से बाद में नहीं हो रहा है, अभी इसको पिना पोर करना है थोड़ा। मैं आपको अपना फुलों का भी दिखा। तो गाइस ये है सबाहत का फुल लुक, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इनका ये है फुल लुक। अभी हम शादी में पहुंच गए हैं, जैसे कि हमने आपको बताया तो हुआ था कि हम लोग शादी में जा रहे हैं, अभी हम शादी में आ गए हैं। इतने प्यारी लग रही है शादी आज, और सब आज भी अच्छी लग रही है, सब इतने प्यारे लग रहे हैं। हम सब लेके गए शादी है तो ऐसे इतनी प्यारी लग रही है शादी में। आज लहंगा पहना है स्पेशली, और मैंने आपको अपना फुल लुक शॉर्ट में दिखाया था, आपने शॉर्ट देखा था तो आपने उसे। और गाइस अभी दुल्हन का भी फोटोशूट हो रहा है, दूल्हे का जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, तो दुल्हन का फोटोशूट हो रहा है तो मैं अभी नहीं जा रही हूँ। मैं भी आपको हॉल दिखाती हूँ, ठीक है? मैं कैसी लग रही हूँ आप ये भी कमेंट में बताइए। गाइस यहाँ पर ना बच्चे ना टेबल पे बैठ गया था, तो जिस वजह से ना वो टेबल लुढ़क गई। अभी हम लोग सुबह का वक्त निकल होता और मैंने आपको दिखाया था ना बच्चा टेबल पे बैठ गया, तो उसकी वजह से टाइम तो मैं बता नहीं सकती, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मगर दूल्हे के तो इन पे एक्सप्रेशन तक दिए। जब हम लोग आए थे तो हॉल में कोई भी नहीं था, और अब हॉल में थोड़े बहुत लोग आ गए, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि मुझे अभी आ गए। हालाँकि मैं आपको टाइम बताती हूँ, देख कर 10:30 हो रहे हैं, हम अभी भी आ गए। शादी थोड़ा नींद आ रही है, शादी नींद के झटके ले जा रही है, लिए जा रही है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि हम लोगों का रिजल्ट भी था, तो हम लोग सुबह 8 बजे के उठे हुए थे, तो मुझे भी आ रही है, शादी को भी आ रही है, मगर शादी को काफ़ी ज़्यादा आ रही है। शादी अब बार बार हेडम करके ऐसे में जैसे किसी ने स्कूल में पनिश किया। गाइस मेरे बराबर में मेरी तो कजन बैठी है, मगर वो अपना मुंह नहीं दिखा सकती, मगर मैं उन्हें आपका मैं आपको उनका भी फुल लुक दिखाऊंगी, और वो कैसी लग रही है आज शक्ल को काट कर, वो कैसी लग रही है आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ओके सो गाइस देखें इनकी मेक्स इतनी प्यारी, अगर आप लोगों को भी ऐसी बनवानी हो शादी वादी में तो आप भी बनवाएगा। देखें इनकी मेक्स कितनी प्यारी है, ये खुद भी प्यारी लग रही है, मगर मेरे को लेनी थी, तो ये देखें इन्होंने मेहंदी लगवाई थी, और ये देखें इनकी रिंग आपको शॉप पे मिल जाएगी हमारे 8 नंबर के, तो आप वहाँ से ईजिली इस रिंग को परचेज कर लीजिएगा। ये घड़ी भी मिल जाएगी आपको 8 नंबर से ही मिल जाएगी ये घड़ी भी, ये मेक्स तो आप खुद ही बनवा लीजिएगा, बस आप डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे व्लॉग में से। तो गाइस इनकी भी सेम ही है, मगर ये देखें ये भी कितनी प्यारी लग रही है, इनकी भी सेम शादी बेट शादी मैं उसका अच्छा खासा, लेकिन शादी अभी इनके साथ खड़े हो गए, इनके भी वैसे ही हो, ये देखें दिखाओ, इनकी भी रिंग 8 नंबर से आसानी से मिल जाएगी, और ये घड़ी भी, इनके इयर रिंग्स बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, लेकिन वो मैं इनका फेस नहीं दिखा सकती, इसलिए नहीं दिखा सकती, वरना ये खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप इनका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, बनवा लीजिएगा ऐसा सूट। इन्होंने अभी से ही इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात याद दिलाई, मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो पीछे जो लाइट है ना मेरी दुश्मनी आ रही थी, तो जिस वजह से इन्होंने मुझे बताया कि लाइट आ रही है, उसकी वजह से मैं सही से बैठी। और अभी जो दुल्हन के घर वाले भी आ गए, मैं आपको वो भी दिखाऊँ। आपको एक बात बताऊँ, आज थी मायरी की लास्ट एपिसोड, अगर आप लोगों ने भी देखी हो तो बताइएगा कैसे लगा। मुझे बहुत दुख, अपने बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो लोग अलग हो गए, आज थी मायरी की लास्ट एपिसोड, और जिस वजह से हम लेट तैयार हुए थे, लेकिन जो हॉल में सबसे पहले आई थी, उसके बाद हॉल आहिस्ता 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 पूरे से लोग आना शुरू है, अब पूरा हॉल भर चुका है, और अब शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद मेरी आवाज़ आपको कम आ रही हो, क्योंकि उसकी भी मैं अभी कह रही है कि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिया है अभी बातें चल रही है टेबल पे, खाना आने वाला है। अभी 11 बज गए, मैं इतना थक चुकी हूँ क्योंकि रिजल्ट आने जा रहे थे, जिसके मैंने आपको बताया तो मैं उठी हुई थी। अभी 8
अब इतनी से जब जब तक कामयाब होंगे आपकी कॉलेज तो देन मिलते हैं हो ही जाएंगे खाना चार बजे हो गए अभी खाना लगने वाला है क्या दुल्हन वाले भी आ चुके हैं क्या हम 10 बजे के मैं आपको टाइम बताती हूँ 1 घंटा हो गया है अभी तक खाना वाना कुछ नहीं मिला है अरे बात ये है कि कह देना कि अपनी बातें चाहिए मैं भी आपको एक ब्लॉग दिखाती हूँ इतना हॉल फुल हो चुका है पूरा जब हम आए थे खाली था और अब हॉल फुल हो चुका है तो देन मैं आपको ये दिखाती हूँ ठीक है और जब खाना खुलने वाला है मनुष्य को दिखाती हूँ ठीक है इसका बैठने का स्टाइल चेक करें इसको तमीज ही नहीं सब टेस्ट करते हुए बताते हैं अच्छा जैसे खाना आ चुका है दैट्स ये देखिए ये सब निकालने खाना ये रहा मैं खाती हूँ और बताती हूँ सत्या आ चुकी है बहुत ज़्यादा मज़े किया मैंने इसे अभी टेस्ट किया था होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो उसे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा क्योंकि आपके पास जल्दी से जल्दी वीडियो आ सके इस